भागलपुर के समाहरणालय स्थित कचहरी चौक पर चेकिंग के दरमियान एक आम पब्लिक यातायात में तैनात पुलिस के ऊपर हाथापाई पर उतर आए। दरअसल मामला यह था कि उक्त व्यक्ति का पेंडिंग चलान दोपहर में ही काट दिया गया था। पेंडिंग चलान काटने के बाद व्यक्ति वहां से चला गया। यह वाकया दोपहर तकरीबन 2 बजे की बताई जा रही है। उक्त व्यक्ति भागलपुर जिले के सन्हौला का रहने वाला है और उसका नाम अनूप कुमार बताया जा रहा है। वहीं कुछ घंटे बाद व्यक्ति आता है और ट्रैफिक पर तैनात सिपाही अमलेश कुमार से यह कहकर भिड़ जाता है कि उसका चलान क्यों काट दिया गया। इसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। नौबत यहां तक आ जाती है कि तैनात ड्यूटी पर सिपाही अमलेश की शर्ट को फाड़ दिया जाता है। इस घटना की जानकारी अपने वरीय पदाधिकारियों को सिपाही अमलेश ने दी, जिसके बाद उक्त व्यक्ति को जुगसर थाना भेज दिया गया और विधि सम्बद्ध कार्रवाई करने की बात कही गई। वहीं इस संदर्भ में ट्रैफिक इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार ने इसको लेकर कुछ भी बताने से इनकार किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बारे में हमें किसी भी तरह की जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी लेकर ही मैं कुछ कह पाऊंगा। जबकि उस युवक को पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले जा चुकी थी। अब यह मामला कहां तक क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। किस समझता है अपने आप को? हैं? खड़ा है, मारना ही शुरू कर दिया। काहे मारा? काहे मारा? काहे मारा? हैं? क्या कर रहा? ये तो अभी हम लोग को जानकारी नहीं है, पता करते हैं तो उस पर फिर कार्रवाई किया जाएगा। फिल्मी अंदाज में 4 नाबालिग ने बीए के छात्र को किया अगवा। पैसे देने में देरी हुई तो अपहरण करने वाले आरोपी ने ब्लेड से छात्र की काटी अंगुली। मामला नाथनगर थाना क्षेत्र के भुवालपुर निवासी प्रदीप कुमार के पुत्र आदित्य रंजन के साथ घटी। आदित्य रंजन का नाथनगर रेलवे स्टेशन के समीप से 4 बदमाशों ने अपहरण कर लिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर थाना पुलिस ने उक्त युवक को सकुशल बरामद कर लिया और एक बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक आदित्य रंजन घर से ट्यूशन पढ़ने नाथनगर के जवाहर सिनेमा हॉल के समीप स्थित प्रतियोगिता की तैयारी कराने वाले निजी क्लासेस गया था। वहां से पढ़ाई कर लौटने के दौरान नाथनगर रेलवे स्टेशन के समीप 4 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। तत्पश्चात उसके ही मोबाइल फोन से पिताजी से फिरौती की मांग की। मामले पर पीड़ित छात्रा के पिता प्रदीप कुमार ने कहा कि मेरा पुत्र घर से नाथनगर पढ़ाई करने गया था। वहीं पुत्र के मोबाइल से फोन आया और कहा कि मुझे 4 बदमाशों ने पकड़ लिया है और 20,000 रुपये की मांग कर रहा है। सूचना के उपरांत पीड़ित छात्र के पिता ने नाथनगर थाना पहुंचकर बेटे की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई। नाथनगर थाना पुलिस ने सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त छात्र आदित्य रंजन को सकुशल बरामद कर लिया। वहीं पुत्र की स्थिति देख पिता की आंख में आंसू आ गए। उनके पुत्र को उक्त बदमाशों ने हाथ की सभी उंगलियों को ब्लेड से दर्दनाक तरीके से खुरच दिया था। वहीं घटना में शामिल एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर निवासी शिवम कुमार के रूप में किया है। नाथनगर पुलिस ने बताया कि सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त छात्र को सकुशल बरामद कर लिया गया है। एक बदमाश को भी गिरफ्तार किया गया है। घटना में शामिल अन्य बदमाशों की भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। हमको फोन किया 10 बजे 10 बजे। अच्छा, कि पापा हमरा पकड़ी लेना जाओ, पैसा मांगे जाओ। तो तुम्हारी कहाँ घर है आप लोग का? भुवालपुर घर है सर, मुरारपुर स्टेशन नाथनगर से आगे। आपका क्या नाम? प्रदीप कुमार मंडल। बेटा का क्या नाम? आदित्य रंजन कुमार। कैसे उसको वहाँ पे छेका प्लेटफॉर्म पे? हम तो थे नहीं सर, कैसे छेका? उन लोग गलत टाइप का लड़का है, मोबाइल छीनता है तो ऐसे पकड़ के पैसा मंगवाता है। नाखून देखिए उखाड़ उखाड़ के कर रहा था कि बोल नहीं तुम्हारी गुजरा खींची लू सब। कहन बच्चा कहेगा डर के? हमको लग रहा था कि हमारे बेटा से हथियार उतियार भी था नहीं? हथियार उतियार नहीं था। अभी तो एक गोल पकड़ा है सर, दो गो भागिएगा। सिविल में तो गए थे लेकिन हमारा ही गलती हो गया। हम सोचे कि यार मनीष फोटो स्टेट ने बुलाया है तो ऐसे होकर के चले जाएंगे। यहाँ भेंट किया हमको गरले हाई स्कूल के पास, उसी में वो जो बना हुआ है बाहर में शेड थोड़ा सा, उसी में था सब लड़का। ये देख ली कि अभी तय वही से हाँ अभी पास करने आते हैं नाथनगर, तो यही क्लास करके घर जा रहे थे, ट्रेन से जाने वाले थे। कहाँ घर है? मेरा घर मुरारपुर है, नाथनगर। ये 2 नंबर प्लेटफार्म पे बैठे हुए थे
ट्रेन का वेट कर रहे थे, तो उधर से चार लड़का आया बाइक से और मेरा फ़ोन छीन लिया और मेरा गला पकड़ के गाड़ी पे बिठा के लेके चला गया। मोटरसाइकिल पे चारों बैठा लिया, एक के बाइक पे चार लड़का था। तुमको कहाँ पे बैठा था? हमको प्लेटफॉर्म पे पकड़ा और प्लेटफॉर्म जहाँ ख़त्म होता है मकौवा कोली रोड है ना, उसी जगह बाइक लगा हुआ था, वहीं बैठाया और लेके चला। पहले से भी आदमी लोग था उसके वहाँ पे गाड़ी लगा के? कितना बाइक था वहाँ पे? दो बाइक था। कितना लोग का टोटल? टोटल था चार पाँच छः लोग था। हथियार तो अभी था उसके पास? हाँ था। क्या हथियार था? दो। यहाँ से फिर तुमको अपहरण किया, फिर कहाँ ले गया? फिर लेके गया वो चंपा मुसहरी, इधर मुसहरी, इधर चानन नदी का पुल ना, पुल के इस साइड बगीचा में। अच्छा, वहाँ क्या क्या किया तुमने साथ में? वहीं सब किया, बुलवाया। क्या क्या है वो? ये मतलब नाखून चमड़ा ये सब हमको टॉर्चर किया गया और बुलवाया गया कि बोलो पापा को हम 20,000 रुपया लिए हैं दिलवा, सब छोड़ेंगे तुमको जाने देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? पापा गए पैसा लेके? उसके बाद पापा बोले हम जा रहे हैं पैसा लेके, दे देंगे तुमको छोड़ देना। तो पापा गए तब आप लोग पकड़ा। क्या नाम बाबू तुम्हारा? वो पकड़ाया, कोई पकड़ाया उसमें? बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर पुलिस के टॉप 10 की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी अजीत कुमार उर्फ करकू, उमाकांत यादव, अमर यादव और जैकी यादव को एक अवैध देसी पिस्तौल और एक देसी कट्टा व 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। अजीत कुमार उर्फ करकू यादव, उमा यादव, अमर यादव और जैकी यादव यह चारों चर्चित अमरेंद्र कुमार सिंह हत्याकांड का नामजद अभियुक्त है। इन चारों के ऊपर कई कांड भी दर्ज है। गिरफ्तारी के डर से चारों आरोपी अपना ठिकाना बदलते रहते थे। अजीत यादव उर्फ करकू यादव एक सक्रिय किस्म का अपराधी है, इसके डर से आमजन में काफी भय था जिस कारण से कोई भी व्यक्ति पुलिस को इसके ठिकाने की सूचना नहीं देते थे। इसकी गिरफ्तारी हेतु विगत 1 वर्ष से लगातार छापेमारी की जा रही थी। जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान SSP आनंद कुमार ने दी। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें कि इस जिले के जो टॉप 10 अपराधियों में शामिल अजीत कुमार उर्फ करकू यादव जो कि बब्बरगंज थाना का रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ ही साथ उसके 3 अन्य साथियों की भी गिरफ्तारी हुई है। और इस गिरफ्तारी के साथ लगभग 1 साल पूर्व 20 सितंबर 2022 को एक हत्याकांड हुआ था जो कि काफ़ी चर्चित रहा, अमरिंदर सिंह की हत्या हुई थी बब्बरगंज थाने में, और उस कांड में ये सभी लोग वांछित थे और पुलिस भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कल इसमें गिरफ्तारी की है। और इसके साथ ही साथ जो हत्याकांड में जो प्रयुक्त हथियार थे उसकी भी बरामदगी की गई है, और हत्याकांड में जो प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी का जो इस्तेमाल हुआ था उसकी भी बरामदगी, जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी बरामद की गई है। और इस प्रकार इस पूरे हत्याकांड का जितने भी लोग शामिल थे, जिस हथियारों का प्रयोग किया गया और जिस गाड़ी का उपयोग किया गया, इन सभी चीज़ों की बरामदगी की गई है। और इस ये पूरा जो अभियान था ये SDPO CT अजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में चल रहा था, जिसमें कि हमारे DIO के प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव और SHO शाहपुर पंकज, SHO बात कन्हैया और हमारे DIO के कई अफरान मिथिलेश कुमार सब इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार और सब इंस्पेक्टर प्रमोद, सब इंस्पेक्टर सिकंदर
और इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार और सब इंस्पेक्टर सूरज और कांस्टेबल बच्चन अभिमन्यु, ये पूरी टीम इस पर उन्होंने काम किया और इस पूरे हत्याकांड का ही उत्पेदन नहीं किया बल्कि इसमें शामिल जितने भी लोग उनकी गिरफ्तारी की और इसमें जितने भी उन्होंने हथियार प्रयुक्त किए थे उनकी बरामदगी की, जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी उसकी भी बरामदगी करने में हम लोग सफल रहे। इस प्रकार भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ की। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? एक जो गिरफ्तारी हुई है ये बांका जिले अमरपुर थाना है, वहीं के भीखनपुर एक जगह पर था, वहीं से इन सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और इनसे जब पूछताछ हुई तो इनकी पूछताछ के आधार पर इनकी निशानदेही पर हथियार और गाड़ी की भी बरामदगी की। हथियार में क्या क्या मिला सर? हथियार में 5 जिंदा कारतूस हैं और 1 पिस्टल है और 1 देसी कट्टा है। कारण क्या था सर? ये आपस में राइवलरी है और जमीन का जमीन के लेन देन में विवाद हुआ था और उसमें ये हत्या कारी की। डिटेल में जितना मैं आपको बता सकता हूँ उतना बता रहा हूँ, बाकी हम लोग डिटेल में उनका स्वीकारोक्ति बयान दे रहे हैं और इतने 1 सालों से लोग कहाँ कहाँ रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और अभी पूछताछ जारी है। गिरफ्तारी कुछ घंटे पूरी हुई है, अभी लगातार पूछताछ की जा रही है, उसमें जो भी तथ्य अन्य सामने आएंगे आपको कुछ साझा करने का किसको भी साझा करें। ये करते यादव पर कुल 3 मामले दर्ज हैं जिसमें 1 हत्या का मामला है और 1 रंगदारी का मामला है। जैकी यादव पर भी 2 हत्या के मामले जिसमें गिरफ्तार हुआ है जैकी यादव, उस पर भी 2 मामले हैं और 2 अन्य व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी हुई है, अमर यादव और उमाकांत यादव, जो कि करती यादव के सभी भाई। भागलपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं सदर अस्पताल में तकरीबन 150 डेंगू के मरीज भर्ती हैं, जिसमें आधे से अधिक बच्चे हैं जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम है। अभी तक पूरे भागलपुर में 700 से ऊपर डेंगू के मरीज हो गए हैं, जिसमें 2 बच्चे सहित 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसको लेकर नगर निगम ने एक मुहिम चलाई है और नगर आयुक्त योगेश सागर ने आज सभी 51 वार्ड में सफाई कर्मियों, मुंशी एवं कई विभाग के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी व कर्मी मौजूद थे, जिसे मॉक ड्रिल कर हर वार्ड में किस तरह फॉगिंग की जाए, ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाए जिससे डेंगू से निजात लोगों को मिले, इसको लेकर एक पहल करते हुए लोगों को बताया गया। वहीं डॉक्टर योगेश सागर ने कहा कि नगर निगम इसके लिए तत्पर है, उम्मीद है जल्द भागलपुर से डेंगू का प्रकोप समाप्त होगा। हम लोग लगे हुए, हर एक वार्ड में ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाएगा, साथ ही फॉगिंग की जाएगी जिससे डेंगू का लार्वा खत्म हो और डेंगू पनप नहीं सके और इस रोग से लोगों को निजात मिले। वहीं नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने आसपास जल जमाव ना होने दे, साफ सफाई रखे और बच्चों को फूल बह का ही कपड़ा पहनाए जिससे डेंगू से वर्कशॉप डेंगू के चलते हुए और नगर निगम का ये गोदाम है करतारपुर गोदाम, ये लोकेशन इसीलिए चुना गया कि यहाँ पे हमारे जितने सफाई कर्मी लगे हुए हैं डेंगू में फॉगिंग और एंटी लार्वा स्प्रे में लगे हुए हैं और प्रचार प्रसार में जितनी महिलाएं लगी हुई हैं वो आए, स्वास्थ्य विभाग के भी कुछ लोग जो यहाँ पे डेपुटेशन गए हैं जिनको मॉनिटरिंग देखना है कि कैसे फॉगिंग और एंटी लार्वा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लस जिला प्रशासन की तरफ से भी एचडीसी लोग यहाँ पर उनको भी बुलाया गया। तो एक तरीके की वर्कशॉप थी, इसमें डेमो भी दिखाया गया, केमिकल कैसे मिलाना है, फॉगिंग कैसे करनी है, उसका समय क्या होना चाहिए, डेंगू से बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, सभी पर विस्तृत चर्चा की गई और किसी के मन में कहीं कोई डाउट हो, कोई त्रुटि हो रही है तो उसको यहीं पर वो करेक्ट कर लेगा, रेक्टिफाई कर लेगा, इन सब बिंदुओं पे यहाँ बातचीत की जाएगी, प्रचार प्रसार आगे लगातार चलता रहेगा। एक वॉर रूम का आज गठन किया जा रहा है, इसमें एक पदाधिकारी और कुछ कर्मी होंगे, उनका काम यही रहेगा कि समय समय पे उसको फॉगिंग को ठीक से करवाएंगे, एंटी लार्वा ठीक से करवाएंगे, कंप्लेन आती है उसका निस्तारण करवाएंगे और डेली का प्रतिवेदन देंगे, तो हम लोग औचक निरीक्षण करके चेक करेंगे कि सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वॉर रूम का गठन, फॉगिंग, एंटी लार्वा स्प्रे और प्रचार प्रसार, इसके लिए नगर निगम पूरी तरीके से तैयार है और भागलपुर में जो भी डेंगू के केसेस बढ़े हैं, अभी बीच में कम भी होते हैं आप लोगों ने देखा, फिर बारिश हुई तो फिर थोड़ा सा जल जमाव होता है तो बढ़ते हैं, तो ये हम लोगों ने तैयारियाँ पूरी कर ली हैं और हम लोग इसमें पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में हम लोग इस बीमारी से डटकर मुकाबला करने वाले हैं और जितना भी हम लोगों के पास संसाधन है उन सबों का उपयोग करके इसको हम लोग जो है इस बीमारी से लड़ने का प्रयास। अभी सर कई जगह जल जमाव है मोहल्ले में, जैसे खाली प्लॉट है, कोई मकान नहीं बनाया है, ऐसे प्लॉटों में पानी जमा
हाँ, ये लगातार हम लोगों को मिलती है कम्प्लेन। कल भी एक बाबरगंज थाना के पास में मिली थी, उसको हटवाया गया जेसीबी के माध्यम से, मैनुअली निकाला गया। अच्छा, हम लोगों के पास पंप सेट भी है और सीवर सेक्शन मशीन भी है, तो जहाँ जहाँ जल जमाव होता है उसको निकलवाएंगे तुरंत, और आगे अन्य भी उपकरण खरीदने की प्रक्रिया की जा रही है। पंप सेट और लिए जाएंगे और जल जमाव कहीं भी रहने नहीं दिया जाएगा। दूसरा सर, एक ऑर्डिनी जो होता है अपना रोस्टर के अनुसार से तो होता ही है, लेकिन होता क्या है सर कि एक क्वार्टर में मोहल्ले में हो गया वार्ड का और तीन क्वार्टर बाकी रह गया, जिससे कारण है कि फैलाव होता है। हम लोगों के पास 40 से ज़्यादा मशीनें जो छोटी हैं वो ठीक हैं। भागलपुर में लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। 24 घंटे में 22 और नए मरीज मिले हैं, वहीं 47 मरीज स्वस्थ हुए हैं। JLNMCH में 120 मरीजों का इलाज चल रहा है। भागलपुर में अब तक 750 मरीज मिल चुके हैं, वहीं 12 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 5 की मौत डेंगू से हुई है। डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा को देखते हुए खासकर छोटे छोटे मासूमों में डेंगू पीड़ित होने को लेकर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह व जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। संध्या 3 बजे से 4 बजे डेंगू पीड़ित या उसके परिजन डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। इसके साथ ही JLNMCH सदर अस्पताल व निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 9572205142। हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर से ध्यान से सुन ले, 9572205142। इस हेल्पलाइन नंबर पर 5 डॉक्टर उपलब्ध होंगे। बता दें, डेंगू बड़ों के साथ साथ बच्चों को अब बीमार कर रहा है। अस्पताल में छोटे छोटे मासूम भर्ती है, ऐसे में बच्चों के परिजन घबराए नहीं, साथ ही कुछ घरेलू नुस्खा या कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टरों से उचित सलाह लें। इसको लेकर जीवन जागृति सोसाइटी संस्था के बैनर तले यह पहल की गई है। मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, सहायक प्राध्यापक जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पैथोलॉजी विभाग, साथ ही साथ जीवन जागृति सोसाइटी का मैं उपाध्यक्ष हूँ। आज हमारा शहर डेंगू जैसे महामारी से कराह रहा है। सरकारी तंत्र बिल्कुल फेल हो चुका है, क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। डेंगू वार्ड में जगह नहीं मिल रहा है लोगों को, और वहीं डेंगू के महामारी से लोग बिल्कुल भयभीत हैं, पीड़ित हैं, भयभीत हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, नहीं करें, हाँ करें। इस परिस्थिति को देखते हुए हमारी जीवन जागृति सोसाइटी एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करने जा रही है, जिसमें हमारे चिकित्सक समय समय पर या 24 घंटा जब भी हो, हम उनको सही उचित सलाह देंगे। या तो उनको या कैसे क्या प्लेटलेट का क्या वैल्यू होना चाहिए, कि आपको घबराना नहीं है, डेंगू अगर हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी दवा लेनी है, घर पे आपको उपचार करना है या चिकित्सक के पास जाना है या हॉस्पिटल में भर्ती होना है, इन सभी बातों की जानकारी विस्तार में दी जाएगी। और यह हेल्पलाइन नंबर 24 घंटा काम करेगा। हृदयघात से बचने के लिए विश्व हृदय दिवस पर सदर अस्पताल भागलपुर परिसर में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको सदर अस्पताल के CS ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्यक्रम निःशुल्क चिकित्सा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, जो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं सदर अस्पताल के CS ने कहा कि आज विश्व हृदयघात दिवस पर हम लोगों को किसी प्रकार की हृदय बीमारी का शंका हो तो हमें इसे निःशुल्क चिकित्सा परामर्श पखवाड़ा कार्यक्रम में आकर जांच करानी चाहिए, जिससे यह हृदयघात की रोग को समय से पहले इलाज कराया जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि जीवन को खुशहाल एवं रोग मुक्त बनाए रखने के लिए रक्तचाप एवं मधुमेह की नियमित जांच कराएं, रक्त में नियमित रूप से कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी चाहिए, लोगों को नियमित व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए एवं तनाव मुक्त जीवन अपनाना चाहिए। साथ उन्होंने कहा कि तंबाकू सेवन नहीं करें और वजन की नियमित जांच कराएं, तभी शरीर व मन स्वस्थ रह सकता है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सदर अस्पताल के CS के अलावे कई पदाधिकारी ANM एवं कर्मी मौजूद थे। भी होती है, लाइफ स्टाइल से अच्छे से देखिए, ये बढ़ते जा रहा है।
हार्ट अटैक से मौतें बढ़ती जा रही हैं, तो इससे बचने के लिए जनसाधारण में जागरूकता है। बिहार सरकार का जो प्रोग्राम है एनसीडी सेल के तहत उसके अंदर सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सीएससी, हेल्थ वेलनेस सेंटर, एचएससी, एनएम स्टाफ नर्स, आशा डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर एंड योगा टीचर के माध्यम से आपके लाइफ स्टाइल को बदलने की कोशिश की के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। प्लस बीपी और शुगर के हर डिजीज का मेन कारण है अभी एल्डरली पेशेंट में बीपी और शुगर, तो उसका जब तक नियमित जांच नहीं होगा, ये लोग साइलेंट किलर माने जाते हैं, तो जब तक इसका नियमित रूप से जाँच नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा। भागलपुर के नाथनगर पुलिस ने शंकरपुर दियारा इलाके में अवैध शराब की भट्टी को नष्ट किया और मौके पर 30 लीटर देसी शराब भी बरामद किया है। नाथनगर थानाध्यक्ष मोहम्मद महताब ने बताया कि शंकरपुर में एक तस्कर के द्वारा अवैध शराब बनाने की सूचना मिल रही थी। मामले के सत्यापन के लिए जब ALTF के साथ छापेमारी की गई तो लगभग 300 लीटर अर्धनिर्मित और 30 लीटर निर्मित शराब बरामद हुए। अर्धनिर्मित शराब को वहीं पर नष्ट कर दिया गया और शराब तस्कर की तलाश है। वहीं उन्होंने कहा कि यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। भागलपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत कई कार्य चल रहे हैं, लेकिन अभी भी शहर स्मार्ट नहीं हो पाया है। जबकि करोड़ों रुपए की लागत से शहर में सड़कों एवं नालों के साथ साथ सौंदर्यीकरण पर खर्च किया गया है, लेकिन अतिक्रमण के चलते अपना शहर रेंगता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन को एड़ी चोटी एक करनी पड़ती है। स्कूली बच्चे घंटों सड़कों पर फंसे रहते हैं, वहीं दूसरी ओर दफ्तर जाने के लिए लोग काफी परेशान दिखते हैं। इसको लेकर यातायात पुलिस एक खास मुहिम जल्द शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर आज एक अहम बैठक की गई। इस बैठक में यातायात DSP, यातायात इंस्पेक्टर सहित यातायात से संबंधित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। शहर में लग रहे जाम को लेकर जो भी परेशानियां हो रही है उससे निजात दिलाने के लिए एक एक कर सबों से वार्ता की गई और जितने भी बिंदु सामने आए हैं उस पर जल्द से जल्द काम कर सड़क के यातायात व्यवस्था को जल्द दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सड़कों पर जो दुर्घटना होती है वैसी दुर्घटना पीड़ित लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाई जाए। इस केस को अनुसंधान करने वालों के भी जो अधिकारी रहेंगे वो जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेकर पीड़ित को मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। इसको लेकर यह बैठक आज भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में की गई। उम्मीद है जल्द रेंगता हुआ शहर भागलपुर अब दुरुस्त हो पाएगा। वहीं यातायात इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार ने कहा कि शहर में जाम की समस्या को लेकर रूट में कुछ बदलाव किए गए हैं, जहां कुछ समयावधि दी गई है जिस पर टोटो का चालन नहीं होगा। वहीं स्कूली समय 12:40 से 1:30 तक रहेगा। अब टोटो घंटा घर से होते हुए कचहरी चौक नहीं आएगी, बल्कि इसका रूट आकाशवाणी करते हुए तिलका मांझी की ओर जाएगी। बैठक नहीं थी, ये ट्रेनिंग सेशन था। पुलिस बड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ये दो दिन का है। आज था दो सेशन में और कल एक सेशन में, चूँकि ज़्यादा थाना है तो लड़के जो एक्सीडेंट से संबंधित केसेस होते हैं मुआवजा से संबंधित है, नया नया कुछ नियम बदला हुआ है फॉर्म भरने में, तो उसके लिए है। पहले था आई रेट का, तो आई रेट का ही थोड़ा बदला हुआ रूप है EDR का। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये हुआ है, इस तरीके से मुआवजा इस ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया जाएगा। मुआवजा में क्या क्या फॉर्म में बदला हुआ है उसी से संबंधित DRM डिस्ट्रिक्ट रोल आउट मैनेजर हैं यहाँ राकेश जी, उनको दिया गया है NIC के द्वारा ट्रेनिंग, वो लोग पटना में लेके आए, तो वही लोग लड़कों को बढ़िया से फ्रेश कर रहे थे ताकि फॉर्म भरने में असुविधा नहीं हो और जो विलम्ब होता है जानकारी के अभाव में वो उससे बचा जा सके और जो पीड़ित पक्ष हैं उनको जल्दी जल्दी सहायता या मुआवजा संबंधित। भागलपुर के जिला समाहरणालय गेट कचहरी चौक पर संध्या राजद पार्टी की राज्यसभा सांसद मनोज झा के ठाकुरों पर टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना भागलपुर के द्वारा मनोज झा के बयान पर विरोध दर्ज करते हुए पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम में राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा पर जमकर करनी सेवा बरसे। सबों ने एक मत में कहा कि ऐसा बयान उन्हें शोभा नहीं देता, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, या ओछी राजनीति है या कहीं से सही नहीं है। साफ तौर पर ठाकुर के सम्मान में करनी सेवा मैदान में उतरी है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश में आज़ादी को लेकर सबसे ज्यादा बलिदान अगर किसी ने दिया है तो वो ठाकुर समाज है, उन्हें इस तरह का बदनाम नहीं करना चाहिए। समाहरणालय चौक पर दो दिन पहले जो राज्यसभा सांसद राजद कोटे से जो सांसद है मनोज झा, उनके द्वारा ठाकुर समाज यानी कि राजपूत समाज के ऊपर जो टीका टिप्पणी किया गया है यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग
कभी भी किसी समाज के विरोधी नहीं रहे, हमेशा क्षत्रिय समाज सभी समाज को लेकर चलने का काम किया है। देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए सबसे ज़्यादा अगर इतिहास में किसी का बलिदान है तो हमारे ठाकुर समाज का है। और ये मनोज जी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए या फिर लालू यादव के इशारे पर आज ये हमारे समाज के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मनोज जी के कारण हम लोग को भी मजबूरन कहना पड़ रहा है कि मनोज जी तुम अपने अंदर के ब्राह्मणवाद को क्यों नहीं मारते हो, जो तुम्हारे अंदर का स्वार्थ और लोभीपना खत्म नहीं होता है। तुम अपने स्वार्थीपन के कारण आज ठाकुर समाज के ऊपर लांछन लगा रहे हो, तुम अपने राजनीतिक फायदे के लिए ठाकुर समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। ठाकुर समाज का बलिदान यही है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहन भी सुरक्षित बैठी हुई है, यह हमारा बलिदान है। बिना हमारे बलिदान का इसी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के गुंडे के द्वारा तुम्हारी माँ बहन को उठा के ले जाया जाता था, जिसके लिए हम लोग हथियार उठाए थे। ये ठाकुर समाज ही है जिसके कारण तुम्हारी माँ बहन घर में सुरक्षित है। इसलिए हम लोग अविलंब यह राज्यसभा सांसद मनोज झा के द्वारा दिए गए टिप्पणी का घोर विरोध करते हुए सख्त लहजे में चेतावनी देते हैं। अविलंब वो माफ़ी मांगे और राजद सुप्रीमो इस पर माफ़ी मांगे, अन्यथा हम लोग चरणबद्ध तरीके से घनघोर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए जिम्मेदार बिहार। आसरा संस्था एवं अभिषेक अग्रवाल मोती मातृ आई केयर के सहयोग से आई हेल्थ केयर कैंप का आयोजन भागलपुर के प्रसिद्ध आंखों के डॉक्टर दीपांकर सिन्हा के नेतृत्व में मदन लाल राजकीय कन्या मध्य विद्यालय के छात्राओं को आजकल आंखों में होने वाली मुख्य समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई एवं उनकी आंखों की मुफ्त जांच भी की गई। 50 बच्चों का इस शिविर में जांच किया गया। अभिषेक आई केयर के ट्रस्टी विनोद अग्रवाल, रविता अग्रवाल ने आगे भी ऐसे कार्यक्रम इस परिसर में करने की इच्छा जताई। उपस्थित सदस्यों में केतन कुमार, ऋषभ साहू, कुमुद, अभिषेक डुकानिया, अभिनव चौखानी, नीलेश मौजूद थे। अपने जिला 322 की ओर से जिला 322 के जिलापाल और उनकी पूरी टीम, मैं कैबिनेट सेक्रेटरी नायन गोपाल केजरीवाल अग्रवाल मोती मातृ आई सेंटर का विजिट करने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभिषेक अग्रवाल मोती मातृ आई सेंटर का अवलोकन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज 100 से अधिक बच्चों का आई चेकअप का कार्यक्रम है और इस हॉस्पिटल का निरीक्षण कर ये देखा जा रहा है यहाँ और जो भी अन्य बृहत मशीनें और उन्नत किस्म की नई किस्म की फेको मशीन आदि की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हमारे चिकित्सक के द्वारा जो अनुमोदन किया गया है वो लगाई जा सके, इसी के लिए आज पूरी टीम यहाँ निरीक्षण करने के लिए आई है।